दोस्तों रोज जीके पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें आईके जीके स्मार्ट यूट्यूब चैनल को और घंटी को ऑल पे दबा लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आईके जीके स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर से जीके टॉप 25 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने एक और वीडियो करा चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था टॉप 25 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेबल क्वेश्चंस थे। अगर दोस्तों आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक दे दिया हमने डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हो। एंड दोस्तों आपको इन सारे क्वेश्चंस में से जितने भी आंसर पता हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शंस दिए हुए दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर, ऑप्शन बी दोस्तों झारखंड, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो सही आंसर चलिए आया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ बेंगलोर। भारत का दोस्तों एक ऐसा राज्य है जिसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक की उद्योग राजधानी किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होया बिल्कुल बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन हैं दोस्तों आपके बिहार, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में चलिए आएगा केरल। भारत का एक ऐसा राज्य है दोस्तों केरल जिसमें महिलाओं की संख्या जो है दोस्तों वह पुरुषों से कई गुना अधिक है, या आप कह सकते हैं केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी दक्षिण एशिया। भारत जो है दोस्तों वह एशिया का दक्षिणी भाग का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में चलिए आएगा NH7, या आप कह सकते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 7 जो है दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग है। याद रखना दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ में सही चलिए आएगा NH7 जो है दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फाइव है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों आपका दूसरा, पाँचवा, चौथा, तीसरा। सही आंसर चलिए आया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में बिल्कुल सही पाँचवा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में दोस्तों जो भारत का पूरे विश्व में जो स्थान है दोस्तों वह पाँचवा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पाँचवा। याद रखना दोस्तों पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है वह पाँचवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? ऑप्शन है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है बिल्कुल सिक्किम राज्य की। भारत के दोस्तों इन सभी राज्यों में से जो सिक्किम राज्य की जो सीमा रेखा है दोस्तों वह नेपाल देश से मिली हुई है, या आप कह सकते हैं सिक्किम राज्य की सीमा रेखा नेपाल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सही आंसर चलिए आया इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में दोस्तों यूनानी ने। भारत में जो स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुद्रा जो चलाई थी वह यूनानियों ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट आपका, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई? तो दोस्तों भारत में जो 10 फरवरी को जो मान्यता जो प्राप्त हुई थी वह राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में बिल्कुल सही हुआ है राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस, जहाँ आप कह सकते हैं दोस्तों 10 फरवरी को राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? सही आंसर चलिए आएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में झारखंड। झारखंड जो दोस्तों वह राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद रखना दोस्तों आपको कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है बिल्कुल सही झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टेन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? सही आंसर चलिए आया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में बिल्कुल सही 1969 में। 1969 में दोस्तों दादा साहब फाल्के के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है?
सही आंसर चल गया दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ में राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से दोस्तों इन सभी में से जो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है उसमें इतनी पावर है वह राष्ट्रपति हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी के साथ में सही चल जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होया दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है दोस्तों वह केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। ऑप्शन हैं दोस्तों आपके लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कच्छ, बाड़मेर। इसका सही आंसर चल गया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में लद्दाख। क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी लोकसभा है वह लद्दाख है। अगर कोई आपसे पूछता है कि दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है, तो आपको बता देना है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में चली आएगा बम्बई। भारत में प्रथम यानी पहला सूती कपड़ा जो कारखाना स्थापित हुआ था दोस्तों वह बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में जमशेदपुर। जमशेदपुर में दोस्तों भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। सही आंसर चल गया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1872 को दोस्तों जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, भारत में पहली बार जनगणना हुई थी जो दोस्तों वह 1872 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में बड़े देशों में से भारत का कौन सा स्थान है। यानी दोस्तों जो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में यानी बड़े देशों में से भारत का कौन सा स्थान है इस क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही होया द्वितीय है। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों पूरे विश्व में जो बड़े देशों में से भारत का जो स्थान है दोस्तों वह द्वितीय यानी दूसरा है, और पहले पे तो कौन सा दोस्तों, पहले पे भी आपको याद रखना पहले पे चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अब भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन था। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में चली जाएगा, भारत में जो मुगल वंश का स्थापक था दोस्तों वह बाबर था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे। सही आंसर चली जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में दिल्ली में। भारत में जो सबसे पहले दोस्तों रेडियो स्टेशन जो स्थापित किए गए थे दोस्तों वह दिल्ली में किए गए थे। नेक्स्ट आपका दोस्तों, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में चली आएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। भारत में जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों वह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। याद रखना दोस्तों आपको सबसे पुराना स्टॉक कौन सा है दोस्तों एक्सचेंज वाला, वह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक जो प्राधिकरण के जो चेयरपर्सन जो होते हैं दोस्तों उनको जो नियुक्त करता है वह सिर्फ राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। ऑप्शन है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में चली आएगा रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। याद रखना दोस्तों इनका नाम आपको रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पंचमहल कहाँ स्थित है। आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। पंचमहल जो दोस्तों स्थित है वह फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, दिवस से ऊपर भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से दिए हुए हैं दोस्तों आपके 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर, तो इसका भी ऑप्शन सही होया दोस्तों 7 दिसंबर। भारत में जो झंडा दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वह 7 दिसंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 25। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में चलिए आएगा दोस्तों, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आपको दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस में से जितना भी आपका स्कोर हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपका किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप दोस्तों हमें बता सकते हो, हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।